जगह में आज हम लोग बाइक राइड करके हम लोग जा रहे हैं। मेरे पीछे राहुल भाई बैठा हुआ है, आप देख सकते हैं। हम लोग आज बाइक में राइडिंग करके ये डैम टीम माल बाजार से आज मिलने जा रहे हैं। आगे का फुटेज आपको निकाल नहीं पाए क्योंकि बारिश के कारण हम लोग शूट नहीं कर पाए, तो हम आगे का फुटेज आपको दिखाते रहेंगे। तो आप बने रहे हमारे साथ, और विशेष करके इस चैनल पे जो भी नए जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और इस वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो बने रहे हमारे साथ। चलाव देखा जल्दी से साथ में इधर देखा तो यार नदी का यहाँ पर घूमने आएगा, अच्छा जगह है। कितने कितने बाड़े अंदर तीन दो बाड़ी अरे बाड़ी वाले हैं जलडगा का जोलंग बाजार। ये आप जोलंग बाजार है नीचे में देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अभी ऊपर जाएंगे एकदम ऑफ रोड में क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है, इसलिए अभी ऑफ रोडिंग करते हुए हम लोग ऊपर जाएंगे। आप देख सकते हैं बाजार दिख रहा है क्या, अभी बाजार होने दिखाई दे रहा है तो ऊपर में तरह से ये बहुत ही नीचे में देख सकते हैं डालडगा हाई स्कूल का ग्राउंड नीचे में। देखिए नीचे बहुत ही ऑफ रोडिंग है यहाँ पर, आप 1 और 2 11 में केवल चढ़ सकता है ये ऊंचाई। पहले ये रास्ता बहुत ही खराब था, अभी थोड़ा सा रिपेयरिंग किया गया है ये रास्ता को, और ये आप देख सकते हैं ये नंबर 1 ऊंचाई वाला है ये। वेलकम टू पैरेंटार विलेज दिखा हुआ है, जो ये डायरेक्ट ये रास्ता आगे हमें तो ये रास्ता में जोड़ेगी, तो बने रहे हमारे साथ। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर धान का खेती लगाया गया है पहाड़ में, बहुत ही सुंदर ये पैरिंग टार की खेती धान लगाया गया है।
अभी आसार चल रहा है। हाम्रो ब्लगमा आइगयो त्यो मिटिङमा यता चाहिँ यस्तो मतलब बाटो आइपुग्यौँ है हामी यो गाडी त्यसको पेन यो पेनले उसी जग्गाबाट जा रहे जहाँबाट हामी जा रहे सो यो गाडी हामी चाहिँ बहुत आगे निक्ला था लेकिन हामी इस रास्ते पे ही मिल गया सो हम इसी तरह पीछे जाएंगे और देखते हैं समय मिला तो हम इसे ओवरटेक करते हुए आगे जाएंगे। रास्ता छोटा है लेकिन इस गाड़ी पे भैया सब हैं सो हम इसे पीछे पीछे थोड़ी देर चलते हैं उसके बाद हम इसे ओवरटेक करके आगे निकल पहुँच जाते हैं। फाइनली गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं तोदे अनुग्रह चर्च पर। आज हम लोग का यहाँ पर थोड़ा छोटा सा प्रोग्राम है कार्यक्रम है
अब हम लोग अभी आए हुए हैं तो अनुग्रह चर्च पर। सो हम जाते हैं आगे जहाँ पर चर्च है, मैं आपको दिखाऊंगा आगे कभी। हमने बाइक रख लिया है और यहाँ पर गाड़ी सब आ रहा है और पीछे में बहुत सारा गाड़ी आ रहा है। हम लोग जा रहे हैं अभी, चलो। ये देख सकते हैं ये चर्च, यहाँ का रास्ता ऐसा है, संभल के चलना पड़ता है ये रास्ते में क्योंकि ये गोड़ने भागो के गोड़ने भागो ए व्यू के लागि हजुर। दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये इलायची, जो बड़ा इलायची है वो इलायची का ये खेती यहाँ पर किया गया है। इलायची यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ये इलायची का पौधा, आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह से ये इलायची यहाँ पर होता है। मैं आगे भी दिखाऊंगा, यहाँ पर इसको थोड़ा सा सफाई वफाई करना पड़ेगा, उसके बाद में यहाँ पर इसके नीचे भाग में यहाँ पर इलायची होता है। यहाँ पर बहुत सारा इलायची लगा हुआ है, यहाँ पर थोड़ा नीचे में ये इलायची नीचे में होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे ये सब इलायची है। ये इलायची का पौधा, ये इलायची का खेती यहाँ पर हो जा रहा है। और ये चर्च जहाँ पर आज हम लोग का प्रोग्राम है, हम जा रहे हैं इस रास्ते होते हुए। ये रास्ता बहुत ही स्लिप कर सकता है। ये बहुत सुंदर फूल और ये बहुत ही सुंदर इस तरफ का दृश्य, जो सारा एरिया भूटान का पड़ता है, भूटान और ये इंडिया का, ये जो ये आगे में जलडा का नदी है वो पड़ता है। अब ये देख सकते हैं यहाँ से हम लोग अभी एंटर करेंगे चर्च के लिए, और ये चर्च का पीछे भाग और ये बहुत सुंदर। सो मैं अभी जा रहा हूँ वॉशरूम में, वॉशरूम करके मैं बाद में आपको फिर से ये फुटेज दिखाऊंगा। हामी तिन भाइ छौँ, यहाँ विशाल दा हुनुहुन्छ, विकास साथी हुनुहुन्छ, र यहाँ पछि तपाईँ हिँड्नुहुन्छ अनुग्रह तोदे चर्च, अनि यता ब्याक साइडको तपाईँ हेर्नुहुन्छ ब्याक साइडमा, अब ब्याक साइडमा देख सकते हैं ये एरिया जो पिछेमा है, जो पिछेको कोभर किया हुआ है वो सब भुटान का एरिया है, लेकिन अभी फोगी के कारण धुमा के कारण कुछ भी उधर नज़र नहीं आ रहा है। जब वातावरण अच्छा होगा, सब होगा बदल, तो बहुत ही सुंदर आपको पीछे का दृश्य दिखाई देगा। ये आगे का नज़ारा जो आप देख सकते हैं, ये सब भूटान का एरिया पड़ता है। अभी फोगी के कारण आगे का कुछ भी नज़ारा आपको क्लियर नहीं दिखाई देगा। आप ये देख सकते हैं इस तरह का जो चर्च का कंपाउंड है, बहुत ही सुंदर तरीके से ये बनाया गया है।